हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल टेक्निकल विथ रितेश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों को एडिट करके दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान है इस तरह का वीडियो एडिट करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं आगे चलकर कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए आप लोगों को एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिस ऐप का नाम है काइनमास्टर। तो चलिए मैं काइनमास्टर को ओपन करता हूँ। तो काइनमास्टर ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें आप लोगों को क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद यूट्यूब साइज 16:9 को ले लेना है। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें आप लोगों को मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जो वीडियो शूट करके रखा है उसको ले लेना है। तो चलिए मैं वो वीडियो ले ले रहा हूँ। तो आप लोगों को भी एक इस तरह से वीडियो को शूट कर लेना है। वीडियो को आप लोगों को ट्राइपॉड यानी एक स्टैंड पर ही शूट करना है, जिससे कि आपका कैमरा हिले ना, और बहुत सावधानी पूर्वक करना है। तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से एक वीडियो आप लोगों को शूट करना है। तो देख लीजिए, इस तरह से आप लोगों को भी एक वीडियो को शूट कर लेना है। चलिए मैं आप आगे एडिट करके दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों को वीडियो को एडिट करना है। अब इसके बाद आप लोगों को वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, और जैसे ही ये लड़का ऊपर उछल रहा है आप लोगों को उस पर उतने पर ही रोक लेना है, और यहाँ से आप लोगों को कट कर देना है। कट करने के बाद आप लोगों को एक इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट कर ले रहा हूँ। स्क्रीनशॉट करने के बाद आप लोगों को फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और उसके बाद इसमें से जितना भी खराब पार्ट है उसको निकाल देना है। तो चलिए मैं इतना पार्ट को निकाल दे रहा हूँ। अब इसके बाद आप लोगों को इसमें जो स्क्रीनशॉट किए हैं उसका बैकग्राउंड को हटाना है। तो इसके लिए आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो उसमें आप लोगों को सर्च करना है रिमूव बीजी। जैसे ही सर्च करेंगे तो इसमें आप लोगों को पहले ही ऊपर लिखा होगा रिमूव बैकग्राउंड, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपलोड इमेज पर जाना है। यहाँ से आप लोगों ने जो भी स्क्रीनशॉट किया है उसको ले लेना है। तो चलिए मैं ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पर लेने के बाद अपलोडिंग हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड हट चुका है। तो अब हमको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब इसके बाद आप लोगों को लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर क्लिक करना, स्क्रीनशॉट का बैकग्राउंड हटाया है उसको ले लेना है। और यहाँ पर लेने के बाद इसमें हमको क्रॉपिंग पर जाना है, इसको छोटा कर लेना है। इसको छोटा करने के बाद इसको इनेबल कर देना है। फिर उसके बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद इसको अपने तरीके से मिला लीजिएगा। इसको मिलाने के बाद आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोगों को जो चाबी वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है। इसको आगे बढ़ाकर थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाना है, फिर उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और इसको छोटा कर देना है। इसको जैसे ही छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद आपको इसकी बोतल की साइज़ पर ले आना है। इतना छोटा करना है जितना कि बोतल की साइज़ पर हो जाए, ये इतने पर मिला के छोड़ देना है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को फिर से प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। अब इसके बाद आप लोगों को एक वाटर स्लैश वाला इफ़ेक्ट लगाना है। तो चलिए, मैं पहले से उसको डाउनलोड करके रखा हूँ। तो उसके लिए फिर से आप लोगों को मीडिया पर जाना है, लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर जाना है, और जो आप लोगों ने वाटर इफ़ेक्ट डाउनलोड करके रखा है उसको ले लेना है। तो चलिए मैं वो इफ़ेक्ट ले रहा हूँ। अब इसके बाद आप लोगों को फिर से इसी पर क्लिक करना है, और आप लोगों को
क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाना है। क्रोमा की पर जाने के बाद आप लोगों को इसे इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल करेंगे, इसका ग्रीन वाला इफ़ेक्ट यहाँ से हट जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों को इसको बोतल की साइज़ पर मिला के रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मिला के रख दे रहा हूँ, और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं किस तरह से मिलाया जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा वीडियो प्ले करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से नहीं मिला है। अब इसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ना है, और जैसे ही यहाँ पर पानी पी के थूका जा रहा है, यहाँ पर वीडियो को रोक देना है। और यहाँ पर आप लोगों को एक और इफ़ेक्ट लगाना है, और वहाँ पर YouTube में जाना है, और YouTube में एक इफ़ेक्ट डाउनलोड करना है, बोन स्क्रीन इफ़ेक्ट डालना है, और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं वहाँ से यहाँ पर इफ़ेक्ट लगा के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को लेयर पर जाना है, लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर जाना है, और जो इफ़ेक्ट डाउनलोड करके मैं पहले से रखा हूँ उसको यहाँ पर लगाना है। तो ये इस तरह से आप लोगों को एक इफ़ेक्ट डाउनलोड कर लेना है, और इसके बाद आप लोगों को फिर इसमें क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, और इसमें इसको छोटा कर लेना है। इसको छोटा करने के बाद इसे इनेबल कर देना है, और उसके बाद फिर आप लोगों को क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देना है। अभी देखिए ये पूरी तरह से मिला नहीं, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। अब इसको अपने तरीके से मिलाना है। अब इसके बाद आप लोगों को इस इफ़ेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको छोटा कर लेना है। इसको छोटा जैसे करेंगे, इसको यहाँ पर जहाँ से थूका जा रहा है यहाँ से लगा देना है। जहाँ से कुल्ला करके थूका जा रहा है इसको वहीं पे लगा देना है। यहाँ पर लगाने के बाद आप लोगों को फिर से चाबी वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और फिर उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, और इसको नीचे ले आना है, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको बड़ा करके सीधा कर देना है, इसको इस तरह से सीधा करके बड़ा कर देना है, और थोड़ा सा बड़ा करना है। अभी इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो बन के तैयार हो चुका है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से वीडियो प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से आप भी देख सकते हैं कि मैंने वीडियो कितनी आसानी से और कितने सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को एडिट करना सिखाया है। तो दोस्तों, आप लोग भी इस तरह से एडिट कर सकते हैं। जहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आया, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से मेरा वीडियो बन चुका है, तो इसके बाद आप लोगों को इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर जाना है, और जिस भी साइज़ में आप लोगों को इसे सेव करना है वहाँ से कर लेना है। यहाँ से सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऐड आएगा, तो इसको आप लोगों को स्किप कर देना है। और यहाँ पर देखिए कि मेरा वीडियो सेव हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे चलकर कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।